नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है हर्ष द्विवेदी फ्रेंड्स, और मैं आपका स्वागत करता हूं अपने इस वीडियो में। इस वीडियो में फ्रेंड्स, मैं आपसे बात करूंगा विलियम विल्बर फोर्स के बारे में। यूनाइटेड किंगडम की एक ग्रेट पर्सनैलिटी हैं, और स्लेव ट्रेड को दुनिया से हटाने में इन्होंने एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया है, क्योंकि ये उस टाइम पर एक्टिव थे जिसमें इंग्लैंड का सिक्का चलता था पूरी दुनिया में, और उस समय पर इंग्लैंड की पार्लियामेंट के अंदर बैठ के इन्होंने स्लेवरी को पूरी तरीके से अपोज किया था। तो इन्होंने क्या क्या किया अपनी ज़िंदगी में, इसके बारे में हम बात करेंगे फ्रेंड्स। इनको शुरू करने से पहले हम लोग एक स्लोगन देख लेते हैं कि यू मे चूज टू लुक द अदर वे, बट यू कैन नेवर से अगेन दैट यू डिड नॉट नो। इस लाइन के बहुत से मतलब हैं। इसका एक मतलब जो कि मैं आपको आसान भाषा में समझाता हूँ फ्रेंड्स, जैसे मान लिया आप लीजिए, आप किसी एक इशू की तरफ देख रहे हैं। अब वो इशू में इन्वॉल्व होने से आपको अगर ऐसा लगता है कि आपको कुछ नुकसान हो सकता है, या आपको इनकन्वीनियंस हो सकता है, या आपका कोई इमीडिएट फायदा नहीं है, तो बहुत बार ऐसा होता है कि आप उस इशू में इन्वॉल्व नहीं होते, अपने आप को उससे अलग हटा के दूसरी तरफ ध्यान देने लगते हैं, उस चीज़ की तरफ ध्यान ही नहीं देते हैं। लेकिन अंदर ही अंदर आपको ये बात पता होती है कि आपको मौका मिला था उस इशू में अपने आप को इन्वॉल्व होने का, लेकिन आपने अपने आप को डिलिबरेटली उसमें इन्वॉल्व नहीं किया। तो ये आपकी गलती है कि आपने अपने आप को उसमें डिलीबरेटली इन्वॉल्व नहीं किया। और यही चीज़ यहाँ पे जो स्लेव ट्रेड के टर्म्स में हम देखेंगे, विलियम विल्बरफोर्स के साथ उस समय पे ब्रिटेन के बहुत से और लोग भी थे जो उस समय देख रहे थे कि ये स्लेव ट्रेड की प्रॉब्लम कितनी बड़ी है, और वो स्लेव्स की प्रति आप कह सकते हो कि एक सॉफ्ट कॉर्नर भी रखते थे अपने अंदर, लेकिन उन्होंने स्लेव्स के लिए सामने आके कुछ नहीं किया। विलियम विल्बरफोर्स वो पर्सनालिटी है जिन्होंने सामने आके स्लेव्स के लिए अपनी लड़ाई लड़ी। तो ये जिंदा रहे 1759 से 1833 तक, 1759 का जन्म हुआ है। तो पूरी डिटेल के बारे में देखेंगे फ्रेंड्स। तो वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा फ्रेंड्स, अगर आप मुझे फॉलो करना चाहते हैं तो मेरी इंस्टाग्राम प्रोफाइल का लिंक नीचे दे रखा है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। उसके साथ साथ ये वीडियो हिंदी में फ्रेंड्स, अगर आप इसका इंग्लिश वर्जन देखना चाहते हैं तो उसका लिंक भी नीचे दिया हुआ है। इनका जन्म हुआ था 24 अगस्त 1759 को हल यॉर्कशायर में। इनकी मृत्यु हुई 29 जुलाई 1833 लंदन में। ब्रिटिश पॉलिटिशियंस थे, फिलेंथ्रोपिस्ट थे, ठीक है। स्लेव ट्रेड को अबॉलिश करने में इनका एक बहुत बड़ा रोल रहा है ब्रिटिश ओवरसीज पजेशंस में। अगर आप इनकी पर्सनल लाइफ के बारे में बात करोगे फ्रेंड्स, तो इनकी शादी हुई थी बारबरा एन स्पूनर के साथ, वो भी एक इवेंजेलिकल क्रिश्चियन थी। 30 मई 1797 में इनकी शादी हुई थी। ये कपल एक दूसरे से बहुत प्यार करता था, पूरी ज़िंदगी ये कपल एक दूसरे के लिए लॉयल रहा, और इनके 6 बच्चे थे। अगर आप विलियम विल्बरफोर्स जी के बारे में बात करेंगे तो जन्म से ही ये काफ़ी कमज़ोर थे, इनकी आईसाइट बहुत पुअर थी, और पूरी ज़िंदगी इनका हेल्थ इनको काफ़ी परेशान करती रही है। 1833 में इनको इन्फ्लुएंजा हुआ, और फिर ये उस इन्फ्लुएंजा से कभी उभर नहीं आए, और फाइनली इनकी मृत्यु हो गई। उनको दुनिया भर में याद किया जाता है, कमोमरेट किया जाता है, ब्लैक कम्युनिटी में इनकी काफ़ी इज्जत है, क्योंकि स्लेव ट्रेड में उस समय ज़्यादातर ब्लैक्स बहुत ज़्यादा अफेक्टेड होते थे। उस टाइम पे ब्राउन्स भी बहुत ज़्यादा अफेक्टेड थे। देखिए, ब्लैक और ब्राउन जब मैं बोलता हूँ तो ब्लैक में जो कंप्लीट ब्लैक्स होते हैं, जैसे जो नीग्रो रेस होती है, वो आते थे, और ब्राउन्स में जो इंडिया के और जो साउथ एशिया के जो लोग थे, जैसे कि हम लोग हैं, हमारी स्किन ब्राउन है तो हम लोग ब्राउन में आते, तो हम सब लोग स्लेव्स का हिस्सा थे। लेकिन जो मैक्सिमम स्लेव ट्रेड था वो नॉर्थ अमेरिका, अफ्रीका और यूरोप के बीच में, इंग्लैंड के बीच में घूमता था, ठीक है। तो यहाँ पे ज़्यादातर जो स्लेव्स की ट्रेडिंग होती थी वो ब्लैक लोगों की ही, ब्लैक पीपल की ही होती थी। उनकी हालत उस समय पे सच में बहुत ज़्यादा ख़राब थी फ्रेंड्स, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले उभर के आए मिस्टर विलियम विल्बरफोर्स जी, ठीक है। इनका जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये इनके फादर का नाम था रॉबर्ट विल्बरफोर्स, इनकी माता जी का नाम था एलिजाबेथ बर्ड। इनके फादर काफ़ी रिच थे, ठीक है, मतलब अच्छे खासे वेल टू डू फैमिली से थे। 1759 में इनका जन्म हुआ था। 1768 में ये मिस्टर विलियम विल्बरफोर्स के फादर की हो गई डेथ, और उसके बाद विलियम विल्बरफोर्स जी को इनके अंकल और आंट की गाइडेंस के अंदर रखा गया। अब अंकल और आंट की गाइडेंस के अंदर जब रखा गया, वहाँ पे ये थोड़ा नॉन कन्फर्मिज्म की तरफ चले गए, नॉन कन्फर्मिस्ट आइडियोलॉजी इनकी थोड़ी थोड़ी होने लगी, क्योंकि इनके अंकल और आंट नॉन कन्फर्मिस्ट आइडियोलॉजी को फॉलो करते थे। अब नॉन कन्फर्मिस्ट आइडियोलॉजी क्या होती है फ्रेंड्स? नॉन कन्फर्मिस्ट आइडियोलॉजी वो आइडियोलॉजी होती है जिसमें जो बिल्कुल, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल दकियन उसी ख्याल आता, समझ लीजिए, जैसे कि हमारे रिलीजन में, हिंदुइज्म में पहले कितने बेकार बेकार चीज़ें थी कि भाई सती प्रथा में औरतों को जला देंगे जब उनके हस्बैंड मर जाएंगे, ठीक है ना, बिल्कुल लोअर कास्ट को तो एकदम जीना ही उन्होंने हराम कर दिया। तो ये सब बहुत बेकार चीज़ें थी हमारे हिंदू धर्म में। उसी तरीके की बेकार चीज़ें हर धर्म में होती हैं, तो ऐसी ही कुछ चीज़ें क्रिश्चियन धर्म में थी। तो
नॉन कन्फॉर्मिस्ट आइडियोलॉजी के लोग जो क्रिश्चियन धर्म की जो सेइंग्स हैं उनको आंख बंद करके नहीं मानते थे और अपना दिमाग का भी थोड़ा इस्तेमाल करते थे, थोड़ी उनकी लॉजिकल थिंकिंग थी। तो इनके अंकल और आंट इस चीज़ को फॉलो करते थे और थोड़ा थोड़ा विलियम विल्बरफोर्स भी इनको फॉलो करने लगे। लेकिन जैसे ही इनकी माता जी को पता चला कि विलियम विल्बरफोर्स हल्का फुल्का नॉन कन्फर्मिस्ट आइडियोलॉजी की तरफ जा रहे हैं, इवेंजेलिकल आइडियोलॉजी की तरफ जा रहे हैं, वो 12 साल की उम्र पे उनको हल वापस ले आई। इनकी माता जी चाहती थी विलियम की ये ट्रेडिशनल एंग्लिकन चर्च ट्रेडिशन को फॉलो करें। तो देखो दो चीज़ थी, एक तो था एंग्लिकन चर्च और एक था इवेंजेलिकल, ठीक है ना। इवेंजेलिकल में आप क्रिश्चियन धर्म को तो फॉलो करेंगे, ठीक है ना, लेकिन आप आंख बंद करके उसको फॉलो नहीं करेंगे, आप अपने दिमाग का भी इस्तेमाल करेंगे। यू विल नॉट, ठीक है ना, मतलब अपने हिसाब से आप कुछ भी जो चर्च बोल रहा है उस चीज़ को आप नहीं मानोगे, ठीक है। तो ये आप समझ सकते हैं नॉन कन्फॉर्मिस्ट आइडियोलॉजी, इवेंजेलिकल आइडियोलॉजी, आप जाके इसको पढ़िएगा, आपको थोड़ा बहुत समझ में आएगा, ठीक है। तो इनको वापस ले आया गया, वापस आके इन्होंने हल ग्रामर स्कूल में अपनी पढ़ाई शुरू की। जब ये वापस आके, सॉरी वापस 1771 में ये वापस आ गए थे, ठीक है। अब 1759 में इनका जन्म हुआ था, 1768 में जब ये लगभग 9 साल थे तब इनके आंट और अंकल के पास इनको भेज दिया गया था, और 12 साल की उम्र पे जब इनकी माता जी को लगा कि भाई ये तो एंग्लिकल चर्च ट्रेडिशन ना सीख के इवेंजेलिकल चर्च की तरफ जा रहे हैं, तो इनको 1771 में 12 साल की उम्र पे इनकी माता जी हल वापस ले आई और वहाँ पे आके इनकी पढ़ाई शुरू हुई, ठीक है। अब जब इनकी वहाँ पे पढ़ाई शुरू हुई तो जो रिलीजियस फर्वर इनके अंदर डेवलप हुआ था जब ये अंकल और आंट के यहाँ रह रहे थे वो सबसाइड हो गया, ठीक है, और थोड़ा बहुत वो कॉलेज की लाइफ में आ गए, ठीक है। अब कॉलेज की लाइफ बिल्कुल अलग तरीके की होती है, वहाँ पे रिलीजन उतना मैटर नहीं करता है, वहाँ पे बच्चे होते हैं, घूमना फिरना होता है, सोशल पार्टीज़ होती हैं, ड्रिंकिंग होती है, तो थोड़ा बहुत इन सब चीज़ों में इन्वॉल्व थे मिस्टर विलियम, पर बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली ड्रिंक या एक्सट्रीमली सोशल पार्टीज़ में जाना इनकी आदत नहीं थी। ये बहुत ज़्यादा अच्छे स्टूडेंट नहीं थे, ठीक है, बट इनको काफ़ी लाइक किया जाता था। इनकी ओरेटरी स्किल्स बहुत अच्छी थी, कन्वर्सेशन ये बहुत अच्छे से करते थे, बहुत ही प्लीजिंग वॉइस थी इनकी। उसके बाद जब ये कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में पढ़ने गए तो वहाँ पे इनके एक दोस्त बने, ठीक है ना, और इनके जो दोस्त थे उनका नाम था सर विलियम पिट, ठीक है। सर विलियम पिट, आप जाके आगे पता चलेगा कि वो जाके ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर बनेंगे, और मिस्टर विलियम विल्बरफोर्स और सर विलियम पिट ये दोनों लोग दोस्त रहे, काफ़ी दिन तक दोस्त रहे, हमेशा इन दोनों ने एक दूसरे का साथ दिया। पर जब फ्रांस के साथ जंग छिड़ी इंग्लैंड की, जब नेपोलियन तरखाट मचा रहा था 1793 में जब ये जंग शुरू हुई, तब इनके बीच में यानी विलियम विल्बरफोर्स और मिस्टर विलियम पिट के बीच में थोड़ी बहुत आप कह सकते हो कि कन्फ्यूज़न आ गया, एक तरीके की आप कह सकते हैं ग्रज आ गया, लेकिन वैसे ये दोनों एक दूसरे के दोस्त रहे हैं। आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये विल्बरफोर्स जी का बर्थ प्लेस है हल, यहीं पे उनका जन्म हुआ था, ठीक है। यहाँ पे इनकी मूर्ति लगी हुई है इसके बाहर, और ये एक तरीके से बहुत ही आप कह सकते हो कि टूरिस्ट स्पॉट सा बन गया, एक बहुत रिच हिस्ट्री, एक रिच कल्चरल हिस्ट्री का पार्ट बन गया है ब्रिटेन की। तो कभी अगर आपको मौका मिले ब्रिटेन जाने का और अगर आपको इन सब चीज़ों में इंटरेस्ट हो तो यहाँ पर ज़रूर जाइए, ठीक है। तो यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज के सर जॉन्स कॉलेज में ये मिस्टर विलियम विल्बरफोर्स पढ़े थे और वहीं पे ये फ्यूचर प्राइम मिनिस्टर विलियम पिट जी से मिले थे, ठीक है। 1780 में मिस्टर विलियम विल्बरफोर्स और पिट दोनों हाउस ऑफ कॉमन्स में इन्होंने एंट्री ली थी, 1780 में। आपको पता है 1759 में मिस्टर विलियम विल्बरफोर्स का जन्म हुआ था, 1780 में ये 21 साल के थे और 21 साल की उम्र में ये हाउस ऑफ कॉमन्स के मेंबर बन गए थे, ठीक है। हाउस ऑफ कॉमन्स के मेंबर बनने के लिए लगभग 8,000 पाउंड उस टाइम पे ख़त्म किए थे मिस्टर विलियम विल्बरफोर्स ने, ठीक है। और इन्होंने बोला कि एज एन इंडिपेंडेंट मैं काम करूँगा हाउस ऑफ कॉमन्स पे, तो एज एन इंडिपेंडेंट रहे थे ये, तो मतलब किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ ये उतना एसोसिएटेड नहीं थे, एज एन इंडिपेंडेंट इन्होंने अपने टेन्योर को वहाँ पे किया। इनको 1781 में 1781 में बीए की डिग्री मिली और 1788 में इनको एमए की डिग्री मिली, ठीक है। उसके आगे हम देखते हैं कि इन्होंने क्या क्या किया। देखिए फ्रेंड्स, वैसे तो ये इंडिपेंडेंट थे लेकिन इनकी जो आप कह सकते हो ना, कभी ये टोरी पार्टी को सपोर्ट करते थे, कभी विक पार्टी को सपोर्ट करते थे, तो वहाँ पे दो पार्टीज थी उस समय पे इंग्लैंड में, एक तो थी टोरी पार्टी और एक थी विक पार्टी। तो कभी ये टोरी पार्टी को सपोर्ट करते थे, कभी ये विक पार्टी को सपोर्ट करते थे, और ऐसा होता था कि जो पार्टी पावर में होती थी उसको सपोर्ट करने लगते थे। इसीलिए बहुत सारे जो पार्लियामेंट के मेंबर्स थे वो मिस्टर विलियम विल्बरफोर्स को क्रिटिसाइज करते थे कि जो पार्टी में पावर में होती उसको सपोर्ट करते हैं,
इनकी सपोर्टिंग स्टैंस में, पॉलिटिकल स्टैंस में एक कंसिस्टेंसी नहीं है, ऐसा इनके ऊपर अक्सर का इल्ज़ाम लगता था। ओरेटरी स्किल्स जैसा कि मैंने आपको बताया था इनकी बहुत अच्छी थी, तो ये स्पीकर बहुत अच्छे थे। और आपको पता होता है फ्रेंड्स कि जब भी किसी लीडर की एफिशिएंसी की बात करी जाती है तो उसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ मानी जाती है वो होती है उसकी ओरेटरी स्किल्स, उसकी स्पीच पावर। फिर 1784 में जनरल इलेक्शंस हुए और कंट्री ऑफ यॉर्क शायर के कैंडिडेट की तरह विल्बरफोर्स खड़े हुए और वहाँ से जीते और हाउस ऑफ कॉमन्स में एज एन एमपी ऑफ यॉर्क शायर ये लौट के आए। फिर उसके बाद फ्रेंड्स इनका जो झुकाव था ना वो धीरे धीरे क्रिश्चियनिटी की तरफ वापस आने लगा। क्यों? क्योंकि क्या हुआ कि पार्लियामेंट में 1780 में गया, 1780 से 1784 तक इन्होंने वहाँ पे पार्टिसिपेट किया। उसके बाद जैसा कि मैंने आपको बताया कि जनरल इलेक्शंस हुए, फिर से एमपी बन गए यॉर्कशायर के। तो 1784 में लगभग ये अपनी माता जी के साथ और अपने सिस्टर के साथ ये यूरोप घूमने गए। और जब ये यूरोप घूमने गए ना फ्रेंड्स, तब इनकी रिलीजियस अर्ज, जो इनके अंदर एक रिलीजियस एलिमेंट था, वो धीरे धीरे वापस आने लगा। खास बात ये थी, एक इवेंजेलिकल किताब थी जिसका नाम था राइस एंड प्रोग्रेस ऑफ रिलीजन इन द सोल, उसको इन्होंने पढ़ा और उससे इनको ये प्रेरणा मिली कि मुझे एक रिलीजियस लाइफ जीनी चाहिए। तो ये सुबह जल्दी उठने लगे, बाइबल पढ़ने लगे, इन्होंने गेम्स खेलना, कार्ड खेलना, ड्रिंक करना सब कुछ छोड़ दिया, ठीक है, और एक कमिटेड क्रिश्चियन बन गए फॉर द रिमाइंडर ऑफ हिज लाइफ, ठीक है। उसके बाद फ्रेंड्स ये मिले जॉन न्यूटन से। जॉन न्यूटन उस समय के एक एंग्लिकन चर्च मैन थे, उन्होंने इनसे बोला कि आप एक रिलीजियस लाइफ जिए, बट रिलीजियस लाइफ जीने के बावजूद भी इन्होंने सोशल और पॉलिटिकल फील्ड में अपने काम को छोड़ा नहीं, सोशल और पॉलिटिकल फील्ड में ये हमेशा एक्टिव रहे। तो इवेंजेलिकलिज्म की तरफ ये थोड़ा थोड़ा चले गए और गॉड की तरफ इन्होंने अपनी लाइफ को डेडिकेट कर दिया। फिर फ्रेंड 1780s में क्या हुआ कि ये जो एंटी स्लेवरी वाला जो मूवमेंट है ना, ये थोड़ा थोड़ा सा बढ़ रहा था आगे, ठीक है। तो थोड़ा थोड़ा एंटी स्लेवरी बढ़ रहा था। 1787 में विल्बरफोर्स जी ने एक सोसाइटी बनाई जिसका नाम था रिफॉर्मेशन ऑफ मैनर्स, इसको प्रोक्लेमेशन सोसाइटी भी बोलते हैं या सोसाइटी फॉर अफेक्टिंग द एबोल्यूशन ऑफ स्लेव ट्रेड भी बोलते हैं, इसको एंटी स्लेवरी सोसाइटी भी कहा जाता है। तो एंटी स्लेवरी सोसाइटी बढ़ी 1780s में, ठीक है, बहुत सारे लोग इसमें इन्वॉल्व थे और विल्बरफोर्स ने भी अपने आप को इसमें इन्वॉल्व किया। और जैसा कि आपको पता है कि फ्रेंड्स विल्बरफोर्स जी आपके पार्लियामेंट के मेंबर थे और पार्लियामेंट वाज द बेस्ट प्लेस टू डिस्कस दिस टॉपिक ऑफ स्लेवरी, क्योंकि वहीं पे लॉ लाके इस स्लेवरी को बैन किया जा सकता था। इस काम में बहुत से लोग मिस्टर विलियम विल्बोर्स का सपोर्ट कर रहे थे, जिसमें थॉमस क्लार्कसन थे, ग्रैनविले शार्प थे, हेनरी थॉन्टो थे, चार्ल्स ग्रांट थे, एडवर्ड जेम्स इलियट थे, जशारी मकोयले थे, जेम्स स्टीफन थे, इनको सेंट्स भी कहा जाता था। और इनके एक्नॉलेज लीडर कौन थे? विलियम विल्बर फोर्स। देखिए ये उस समय का एक फोटो है, इसमें लिखा हुआ है कि एम आई नॉट अ मैन एंड अ ब्रदर। तो ये एंटी स्लेवरिंग कैंपेन के पार्ट के फॉर्म में ही ये एक फोटो बनाई गई थी, जिससे लोगों के मन में ये जो ब्लैक का स्लेव ट्रेड चल रहा था उसके लिए एक सॉफ्ट फीलिंग लाने की कोशिश की गई थी, लोगों को अपील करने की कोशिश की गई थी कि ये जो कुछ भी हो रहा है इन स्लेव्स के साथ, ये नहीं होना चाहिए, ये गलत हो रहा है, इसके खिलाफ हमें कुछ करना चाहिए, ठीक है। उसके लिए फ्रेंड्स अपने आप को इस स्लेव ट्रेड वाले सब्जेक्ट जिसके एबॉलिशन की बात कर रहे थे मिस्टर विलियम फोर्स, इसमें इन्वॉल्व करने से पहले मिस्टर विलियम विल्बर फोर्स के लिए जानना बहुत ज़रूरी था कि भाई स्लेव ट्रेड से रिलेटेड हिस्ट्री क्या है। तो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के एक एल्यूमिनाई थे, एक मेंबर थे जिनका नाम था थॉमस क्लार्कसन। थॉमस क्लार्कसन के साथ विलियम विल्बर फोर्स ने दोस्ती की और ये दोस्ती लगभग 50 सालों के लिए चली। और थॉमस क्लार्कसन का एक बहुत बड़ा इफेक्ट रहा है मिस्टर विलियम विल्बर फोर्स पे। थॉमस क्लार्कसन ने इस ब्लैक स्लेव ट्रेड के बारे में काफ़ी कुछ बताया विलियम विल्बर फोर्स को। विलियम विल्बर फोर्स को फिर सही मायने में पता चला कि क्या वर्किंग और लिविंग कंडीशन है इन स्लेव्स की। और उसके बाद मिस्टर विलियम विल्बर फोर्स को एक और अंदर से अर्ज आया कि नहीं भाई, मैं इनके लिए कुछ ना कुछ ज़रूर करूँगा, ठीक है। और उसके लिए फ्रेंड्स जैसा कि मैंने आपको बताया कि कमिटी फॉर द एबॉलिशन ऑफ स्लेव ट्रेड बनी थी, एंटी स्लेव ट्रेड कमिटी बनी थी, ठीक है। उसके बाद 1789 में ये हुआ कि विलियम विल्बर फोर्स जी ने एक बिल पास कराने की कोशिश की पार्लियामेंट में, ठीक है। पार्लियामेंट में खड़े होकर, हाउस ऑफ कॉमन्स में खड़े होकर मिस्टर विलियम विल्बर फोर्स ने बोला कि भाई ये जो स्लेवरी है
ये बहुत बड़ा इनजस्टिस है ह्यूमन डिग्निटी के प्रिंसिपल्स के अगेंस्ट है। बहुत पैशनेटली बोलते थे ये। इन्होंने एक बार बोला कि आई मीन नॉट टू अक्यूज एनीवन बट टू टेक द शेम अपॉन माई सेल्फ इन कॉमन इनडीड विद द होल पार्लियामेंट ऑफ ग्रेट ब्रिटेन फॉर हैविंग सफर्ड दिस हॉरिड ट्रेड टू बी कैरिड ऑन अंडर देयर अथॉरिटी वी आर ऑल गिल्टी वी ऑट ऑल टू प्लीड गिल्टी एंड नॉट टू एक्सकल्पेट अवर सेल्फ बाई थ्रोइंग द ब्लेम ऑन अदर्स। ऐसा ये बोला इन्होंने। और फिर एक बिल एंटी एबोलिशन बिल इन्होंने इंट्रोड्यूस किया हाउस ऑफ कॉमर्स में पार्लियामेंट में। बट हुआ ये कि जो एंटी एबोलिशनिस्ट थे ना जो स्लेवरी के सपोर्ट में थे और जो विलियम विल्बरफोर्स के अगेंस्ट में थे वो बहुत ज़्यादा अपने आप को ऑर्गेनाइज करके रखा हुआ था। और जब बिल आया तो भाई स्लेवरी को एबॉलिश करने के फेवर में वोट पड़े 88 और ना एबॉलिश करने के फेवर में वोट पड़े 163। तो ये जो एंटी एबॉलिशन बिल था आपका मिस्टर विलियम विल्बरफोर्स का ये डिफीट हो गया फ्रेंड्स। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा डिफीट हो गया। भले ही इन रेजोल्यूशंस को विलियम पिट, ठीक है, जो कि प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने सपोर्ट किया। चार्ल्स फॉक्स जो कि विलियम पिट के अपोनेंट थे, मतलब अपोजिशन थे, उसने भी सपोर्ट किया। एडमंड बर्क ने सपोर्ट किया। एडमंड बर्क का आपने नाम सुना होगा अगर मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री आपने पढ़ी है तो। इन सब के सपोर्ट करने के बावजूद पार्लियामेंट में ये बिल हार गया, नहीं पास हो पाया। लेकिन उसके बाद फ्रेंड्स आप जानते हैं कि हार नहीं मानी मिस्टर विलियम विल्बरफोर्स ने और फिर से एक साल तक उन्होंने कोशिश करते रहे। 1791 में ऐसा हुआ था, 163 से 88 में हार गए थे। फिर से एक साल तक वो कोशिश करते रहे। बहुत सारे थाउजेंड्स ऑफ ब्रिटिशर्स का उन्होंने सपोर्ट मारा, हर तरीके से लोगों को ऑर्गेनाइज किया और 1792 में उन्होंने फिर से एक एंटी एबोलिशन बिल को इंट्रोड्यूस किया। इस बार भी जो एंटी एबोलिशनिस्ट थे, जो कि इस स्लेवरी को एबॉलिश करने वाले बिल के जो लोग अगेंस्ट थे, उन्होंने अपने आप को पूरी अच्छी तरीके से ऑर्गेनाइज किया और विलियम विल्बरफोर्स के इस अटेम्प्ट को फिर से डिफीट कर दिया। यानी 1791 में 1789 से शुरू किया मिस्टर विलियम विल्बरफोर्स में, पहली बार हाउस ऑफ कॉमन्स में इंट्रोड्यूस हुआ 1791 में, बिल अपोज हुआ, हार गया। और फिर 1792 में भी जो कोशिश की मिस्टर विलियम विल्बरफोर्स को, उसको अपोजिशन ने हरा दिया। तो भले ही ब्रिटिश पार्लियामेंट में ऐसे बहुत से लोग थे जो इस बिल के फेवर में थे, यानी जो चाहते थे कि ब्रिटिश एम्पायर से स्लेवरी ख़त्म हो जाए, और इसके लिए पूरी कोशिश कर रहे थे मिस्टर विलियम विल्बरफोर्स, लेकिन उसके अगेंस्ट में जो लोग थे वो अपने आप को अच्छे से ऑर्गेनाइज करके जीतते जा रहे थे। फिर हुआ ये फ्रेंड्स, एक घटना हुई। उस घटना में ये हुआ कि 1793 में फ्रांस के साथ एक वॉर छिड़ गया, जंग छिड़ गई। नेपोलियन उस समय बहुत एक्टिव थे, तरखाट मचा रहा था, और नेपोलियन से ब्रिटेन को बहुत खर्चा था, खतरा था सॉरी। और जैसे ही फ्रांस के साथ जंग छिड़ी, वैसे ही पूरा ध्यान इस एंटी स्लेवरी बिल से हट के फ्रांस के साथ जंग पे चला गया। उस समय पे फिर स्लेव ट्रेड और जो स्लेव्स की कंडीशंस थी, ये एक बैक पैडल पे चली गई, सेकेंडरी वो हो गई। और सबसे पहले हो गई नेशनल कॉन्शियसनेस, लोगों का ध्यान पूरी तरीके से चला गया कि नेपोलियन को कैसे हराया जाए, कैसे इससे जीता जाए, कैसे हम लोग जीतें। स्लेव ट्रेड पर से सबका दिमाग चला गया। उस समय पे जो स्लेव ट्रेड की बात करता था उसको कभी कभी पे एंटी नेशनलिस्ट बोलने लगते थे। ठीक है, तो बहुत दिनों तक ये सब चलता रहा फ्रेंड्स। और जब तक फ्रांस से वॉर चला तब तक स्लेव ट्रेड पे कुछ खास हो नहीं पाया। ठीक है, तो लगभग बहुत सालों तक, लगभग 15 साल तक कुछ खास हो नहीं पाया स्लेव ट्रेड पे। ठीक है, चूंकि ऑब्वियसली बात है सब लोग नेपोलियन के साथ जंग में बिजी थे। फिर 1805 में फाइनली आपका जो नेपोलियन वाली जो जंग थी वो ख़त्म हुई। उसके बाद 1807 में कुछ हुआ। 1807 में क्या हुआ? स्लेव ट्रेड एक्ट 1807 पास हुआ फ्रेंड्स। ठीक है, अब ये स्लेव ट्रेड एक्ट 1807 क्या है इसको भी हम लोग देख लेते हैं फ्रेंड्स। हुआ ये 1807 से पहले 1804 में भी कुछ हुआ था। 1804 में, जून 1804 में मिस्टर विलियम विल्बरफोर्स ने फिर से एक बिल इंट्रोड्यूस किया हाउस ऑफ कॉमन्स में। ठीक है, अब हाउस ऑफ कॉमन्स में तो वो सक्सेसफुली बिल पास हो गया, लेकिन हाउस ऑफ लॉर्ड्स में वो पास नहीं हुआ। ठीक है, तो वो 1804 वाला बिल भी आपका फेल हो गया फ्रेंड्स। और जितना भी ये सब कुछ हो रहा था, कोशिश कर रहे थे मिस्टर विलियम विल्बरफोर्स, वो सब कुछ फेल हो रहा था। लेकिन फिर जो लॉर्ड ग्रैनविले थे 1807 में, जो कि प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने फिर विल्बरफोर्स एबोलिशन बिल को फिर से हाउस ऑफ लॉर्ड में इंट्रोड्यूस किया। और इस बार एक बहुत बड़े मार्जिन से इसे पास किया गया। हाउस ऑफ कॉमन्स में भी ये पास हो गया, 283 वोट्स फेवर में थे कि भाई हमको एबॉलिश करना है स्लेव ट्रेड को, 16 फेवर में थे कि नहीं करना है। तो 25 मार्च 1807 को
एबॉलिशन ऑफ स्लेव ट्रेड एक्ट को रॉयल असेंट मिल गई। अब आप समझिए फ्रेंड्स, एबॉलिशन ऑफ स्लेव ट्रेड एक्ट हाउस ऑफ कॉमन्स ने भी पास कर दिया, हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने भी पास कर दिया, 25 मार्च को रॉयल असेंट मिल गई, ये लॉ बन गया। लेकिन स्लेव ट्रेड एबॉलिश किया गया था फ्रेंड्स, स्लेवरी एबॉलिश नहीं की गई थी, इस बात को ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे स्लेव ट्रेड एबॉलिश हुआ था, यानी वो शिप्स जो कि भर के इन स्लेव्स को लेके आते थे अफ्रीका से और इधर उधर आके बेचते थे, अपना फ़ायदा कमाते थे, उस काम को बंद कर दिया इन्होंने। लेकिन जो ऑलरेडी स्लेव्स थे, जो ऑलरेडी लोगों के घरों में काम कर रहे थे, स्लेवरी पे इसने बैन नहीं लगाया, ठीक है। तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, और उसके बाद स्लेवरी को पूरी तरीके से बैन करने का बेड़ा उठाया मिस्टर विलियम विल्बरफोर्स ने। इन्होंने सोसाइटी फॉर द मिटिगेशन एंड ग्रेजुअल एबोलिशन ऑफ स्लेवरी को ज्वाइन किया और बहुत ज़बरदस्त तरीके से विग्रसली कैंपेन किया। इनका अब एम हो गया था कि मैं स्लेवरी को पूरी तरीके से ब्रिटिश एम्पायर से ख़त्म कर दूंगा। विलियम विल्बरफोर्स जी का मानना था कि अगर आपको स्लेवरी को ख़त्म करना है तो पहले आपको लोगों को एजुकेशन देनी पड़ेगी, क्योंकि जब लोगों को एजुकेशन मिलेगी वो लोग अपने पैरों पे खड़े होंगे, अपने लिए कुछ कर पाएंगे, तो अपनी पॉवर्टी से बाहर निकलेंगे, और जब वो पॉवर्टी से बाहर निकलेंगे तब वो स्लेवरी से बाहर निकलेंगे। इनके साथ एक इनकी बहुत बड़ी सपोर्टर थी जो कि एक सोशल रिफॉर्मर थी, जिनका नाम था हैना मोरे, ठीक है। तो हैना मोरे, ठीक है, अक्सर कर बच्चों को पढ़ाया करती थी, पर्सनल हाइजीन की शिक्षा देती थी, रिलीजन की शिक्षा देती थी, ठीक है। फिर मिस्टर विलियम विल्बरफोर्स अक्सर कर क्रिश्चियन मिशनरीज को भी ये बढ़ावा देते थे कि आप इंडिया जाइए और इंडिया में जाके क्रिश्चियन धर्म का प्रचार करिए। 1812 तक आते आते इनकी हेल्थ काफ़ी डिटेरिएट होने लगी। जो इनकी यॉर्कशायर की सीट थी एमपी की, इन्होंने छोड़ दी, और ये रॉटन बोरो नाम की जगह थी, वहाँ की एमपी की सीट इन्होंने ले ली, ठीक है फ्रेंड्स, तो ये समझ सकते हैं। फिर 1824 तक आते आते इनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब होने लगी फ्रेंड्स, ठीक है। 1824 तक आते आते इनकी तबीयत बहुत ही ज़्यादा ख़राब होने लगी, और फिर इन्होंने अपनी पार्लियामेंट्री सीट को ही छोड़ दिया। काफ़ी बीमार पड़ गए थे ये, पॉलिटिकल लाइफ से ये पूरी तरीके से रिटायर कर गए, लेकिन फिर भी स्लेवरी को हटाने के लिए ये हमेशा लड़ते रहे, ठीक है। और फाइनली इनकी मृत्यु से 3 दिन पहले 26 जुलाई 1833 को हाउस ऑफ कॉमन्स में एबॉलिशन ऑफ स्लेवरी बिल पास हो गया, यानी हाउस ऑफ कॉमन्स में एबॉलिशन ऑफ स्लेवरी बिल पास हो गया। इनकी मृत्यु हुई 29 जुलाई 1833 को, और इनकी मृत्यु से 3 दिन पहले 26 जुलाई 1833 को हाउस ऑफ कॉमन्स में स्लेवरी बिल पास हुआ, एबॉलिशन ऑफ स्लेवरी बिल, और इनकी मृत्यु के 1 महीने बाद हाउस ऑफ लॉर्ड्स में भी उसको पास कर दिया गया। तो आप ये कह सकते हो कि ये एक श्रद्धांजलि थी मिस्टर विलियम विल्बरफोर्स को, ठीक है। फिर जैसा कि मैंने आपको बताया, यहाँ पे कुछ और बातें भी देख लेते हैं, पॉलिटिकल सोशल रिफॉर्म्स देख लेते हैं मिस्टर विलियम विल्बरफोर्स के। बहुत डीपली कंजर्वेटिव थे फ्रेंड्स, पॉलिटिकल सोशल ऑर्डर को ये रेवोल्यूशनरी तरीके से नहीं बदलना चाहते थे, ये सोसाइटी में चेंजेस लाना चाहते थे, क्रिश्चियनिटी के थ्रू लाना चाहते थे, ये चाहते थे लोगों के मॉरल सुधरें, उनको एजुकेशन मिले, रिलीजियस मॉरल सुधरें, रेडिकल चेंजेस और रेवोल्यूशन के खिलाफ थे ये, ठीक है। फिर कुछ ऐसे भी राइटर्स थे जिन्होंने मिस्टर विलियम विल्बरफोर्स की आइडियोलॉजी को अपोज़ किया, ठीक है। तो विलियम कॉर्बेट ने बहुत ज़्यादा मिस्टर विलियम विल्बरफोर्स की आइडियोलॉजी को अपोज़ किया, जो मिस्टर विलियम विल्बरफोर्स कंटिन्यूस अपनी पूरी ज़िंदगी स्लेव्स के लिए लड़ते रहे, स्लेव्स की ख़राब कंडीशंस के लिए लड़ते रहे। मिस्टर विलियम कॉर्बेट ने कहा कि आप देख रहे हैं कि जो ब्रिटिश वर्कर्स हैं वो कितनी बुरी तरीके से घर में रह रहे हैं। 1750 में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इंग्लैंड में आ गया था, जो इंग्लैंड के लोग भी थे वो इतने खराब कंडीशंस में रह रहे थे उस इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के चलते, तो आप उनके लिए कुछ ना करने के बजाय आप स्लेव ट्रेड्स में स्लेव की तरफदारी कर रहे हैं। इस बात पे भी इनको काफ़ी क्रिटिसिज्म झेलना पड़ा है फ्रेंड्स, ठीक है। फिर इवेंजेलिकल क्रिश्चियनिटी के सपोर्टर थे ये, तो चर्च को रिवाइटलाइज करना चाहते थे और चाहते थे कि क्रिश्चियन ऑब्जर्वेंस हो, हारमोनियस मॉरल सोसाइटी हो। फिर इनका काफ़ी ये कहना था फ्रेंड्स कि देखिए, अप्रैल 1797 में विल्बरफोर्स ने पब्लिश किया प्रैक्टिकल व्यू ऑफ द प्रिवेलिंग रिलीजियस सिस्टम ऑफ प्रोफेस्ड क्रिश्चियंस इन द हायर एंड मिडिल क्लासेस ऑफ दिस कंट्री कॉन्ट्रास्टेड विद रियल क्रिश्चियनिटी। ये इन्होंने पब्लिश किया, इसका काम क्या था, ये पब्लिश क्यों किया इन्होंने, क्योंकि ये एलिवेट करना चाहते थे स्टेटस ऑफ रिलीजन इन पब्लिक एंड प्राइवेट लाइफ, और इसको अपर और मिडिल क्लासेस ऑफ द सोसाइटी के बीच में लेके जाना चाहते थे। तो क्रिश्चियनिटी के प्रोपोगेशन में भी एक काफ़ी बड़ा रोल प्ले किया है मिस्टर विलियम फोर्स ने। फिर मिस्टर विलियम विल्बरफोर्स का मानना था कि ब्रिटिश सोसाइटी बहुत ज़्यादा डिजनरेट कर रही थी, क्योंकि आप देखिए ये
बहुत ज़्यादा लॉयल थे अपनी वाइफ के लिए, इनकी वाइफ भी इनके लिए बहुत लॉयल थी। तो ये जो मॉडर्नाइजेशन आ रहा था ब्रिटिश सोसाइटी में, उसके काफ़ी अगेंस्ट थे ये। जो ब्रिटिश सोसाइटी का मॉरल डीजनरेशन हो रहा था, उसके खिलाफ़ काफ़ी बोला है मिस्टर विलियम विल्बर फोर्स जी ने, ठीक है। और स्लेव ट्रेड को अबॉलिश करना तो इनकी एक बहुत बड़ी प्रायोरिटी थी। साथ साथ ब्रिटिश सोसाइटी में जो ये मॉरल फैक्टर मिस हो रहा था, उसको भी प्रमोट करने की बात कर रहे थे। धीरे धीरे, जैसा कि मैंने आपको बताया, इनकी हेल्थ बहुत गिरती रही। 1824 में ये अपनी बोरो वाली, रॉटन बोरो वाली पार्लियामेंट्री सीट को भी छोड़ के चले गए, लेकिन ये फिर भी एंटी स्लेवरी, स्लेवरी के अगेंस्ट लड़ते रहे। फाइनली इन्होंने अपनी जो सबसे आखिरी एंटी स्लेवरी स्पीच दी, वो 1833 अप्रैल में दी कैंट नाम की जगह पे। फिर आपको पता है विग गवर्नमेंट ने अबोलिशन ऑफ स्लेवरी एक्ट पास कर दिया 26 जुलाई 1837 को, ये मैंने आपको बता ही दिया था। इनकी मृत्यु से 3 दिन पहले 29 जुलाई 1833 में अपने कज़न के घर में थे ये, कैडोगन प्लेस लंदन में, वहाँ पे इनकी मृत्यु हो गई फ्रेंड्स, ठीक है। और आपको पता है उससे 3 दिन पहले हाउस ऑफ कॉमन्स में बिल पास हो गया, और उनकी मृत्यु के 1 महीने बाद हाउस ऑफ लॉर्ड्स में ये बिल पास हो गया, यानी स्लेवरी अबॉलिश हो गई। इससे एक तरीके की श्रद्धांजलि दी गई मिस्टर विलियम विल्बर फोर्स जी को। मिस्टर विलियम विल्बर फोर्स ने कहा था कि मुझे बरी किया जाए मेरी सिस्टर और डॉटर के साथ स्टोक न्यूइंगटन में, लेकिन जो कुछ भी काम इन्होंने ब्रिटिश सोसाइटी के लिए किया, उसके लिए जो लीडिंग मेंबर्स थे हाउस ऑफ पार्लियामेंट के, उन्होंने बोला कि नहीं, इनको पूरे स्टेट ऑनर के साथ वेस्ट मिनिस्टर एबे में बरी करना चाहिए, और जितने भी बड़े लीडर्स रहे हैं ब्रिटेन के, वो वेस्ट मिनिस्टर एबे में उनको बरी किया गया। और फाइनली इनकी फैमिली मान गई, और 3 अगस्त 1833 को विलियम विल्बर फोर्स को नॉर्थ ट्रांसेप्ट वेस्ट मिनिस्टर एबे में बरी कर दिया गया, अब उनके दोस्त विलियम पिट के पास। विलियम पिट प्राइम मिनिस्टर थे एक टाइम पे, ठीक है। ये आपकी मूर्ति लगी हुई है वेस्ट मिनिस्टर एबे में, मिस्टर विलियम विल्बर फोर्स की मेमोरियल स्टैचू है। किसने बनाई? सैमुअल जोसेफ ने, ठीक है। तो ये बताती है कि क्या मतलब, आप समझ सकते हैं कि फ्रेंड्स वेस्ट मिनिस्टर एबे में जिन जिन लोगों की मूर्तियां लगी हुई हैं, उनका क्या हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस है, इसको आप समझ ही सकते हैं फ्रेंड्स। इनके काम को, इनके वर्क को, इनके बुक्स को काफ़ी सराहा गया है, कॉमोमरेट किया गया है, ठीक है। स्लेव ट्रेड में तो जैसा कि मैंने आपको बता ही दिया इनका कितना बड़ा रोल रहा है। हल कॉलेज में आप समझिए इनका एक मॉन्यूमेंट इरेक्ट किया गया था 1834 में, तो ये उनका मॉन्यूमेंट है हल कॉलेज में। तो ये था फ्रेंड्स सारी डिटेल्स। इनके नाम पे एक कॉलेज भी है पूरा पूरा इंग्लैंड में। मिस्टर विलियम विल्बर फोर्स के बारे में बहुत ही ग्रेट पर्सनैलिटी थी, बहुत ही इंस्पायरिंग पर्सनैलिटी थी। ये एक ऐसी पर्सनैलिटी थी जिसने अपने समय से आगे होकर सोचा, और अपने अलावा किसी दूसरे के बारे में सोचा, जिस समय जिनके बारे में उस समय पर उस सोसाइटी में ज़्यादा लोग नहीं सोचते थे, स्लेव ट्रेड के अगेंस्ट में। तो एक बहुत बड़ी पर्सनैलिटी है फ्रेंड्स। तो ये इनके बारे में हल्की फुल्की जानकारी थी। अपने एथिक्स के पेपर में, जो आपका GS पेपर 4 आता है UPSC में, पेपर्स के पर्सपेक्टिव से देखें तो आप विलियम विल्बर फोर्स को कोट कर सकते हैं, इनके एक्ट्स को कोट कर सकते हैं अपने एग्जाम, अपने आंसर्स को और रिफाइन करने के लिए, और बाकी आपकी नॉलेज के लिए तो ज़रूरी है ही। तो आई होप ये वीडियो पसंद आई हो। फिर पसंद आई तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ वीडियोज़ को शेयर करें, अपने सोशल मीडिया हैंडल पर शेयर करें। तो थैंक यू फॉर फ्रेंड्स वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स, हैव अ ग्रेट डे। कमेंट्स के थ्रू ज़रूर बताएं कैसी लगी।